आरएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबा बग। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन, सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A को ताहयात नाहली की शख्स से कैसे जोड़ सकते हैं। आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है। सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सिंह ने सिंध हाउस हमले का मामला उठा दिया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि FIR में सदार दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की गई। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि क्या हम अब FIR पर समाअत शुरू कर दें, आप मुतालिका फॉर्म पर जाकर शिकायत करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कल तक सिंध हाउस वाकये के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। बात यह सदारती रेफरेंस पर समाअत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि मुकन्ना ने उम्मीदवारों से बयान हल्फी लेना जरूरी करार नहीं दिया। अदालत ने इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए उम्मीदवारों को बयान हल्फी देना जरूरी करार दिया। जो काम मुकन्ना से मुनसंग हो वो अदालत करा सकती है। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि किताबें खोलने से पहले अराकीन के किरदार की शकों को देखना है। जबकि जस्टिस एजाज का कहना था कि आर्टिकल 63A को ताहयात नाहली के शख्स से कैसे जोड़ सकते हैं, अराकीन एतमाद तोड़ कर क्या खयानत कर रहे हैं। जस्टिस एजाज ने सवाल किया कि एतमाद के ताल्लुक की बुनियाद क्या है। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वोटर्स का एतमाद और जमात के मंशूर से मुंतखब होना इस एतमाद की बुनियाद है। एक दफ़ा वोटर वोट दे तो 5 साल के लिए नुमाइंदा मुंतखब होता है। जस्टिस एजाज उल हसन ने रिमार्क्स दिए कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। तीर वोटर्स की तवक्कोआत के बजाय कहीं और जा लगे तो एतमाद टूट जाता है। हुकूमती वफ़ से मुलाकात में वज़ारते आला पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमती वफ़ और इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात हुई। काफ लीग की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक शाह महमूद, असद उमर और परवेज़ खटक पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़ ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की, जिसमें काफ लीग की तरफ से परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही शरीक थे। काफ लीग के अलामिये में कहा गया है कि दोनों जमातों के रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। जबकि पंजाब के वज़ारत आला से मुतालिक हुकूमती वफ़ से कोई बात नहीं हुई। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि गिले शिकवे उनसे होते हैं जिनसे कोई उम्मीद और रिश्ता होता है। आप इस लिहाज से देखें कि रिश्ता आज भी कायम है। इमरान खान का जलसा, अदाकारों ने क्या रद्दअमल दिया। 27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे के शुरका की तादाद ने जहां PTI कारकुनों को हैरान किया, वहीं शोबिस इंडस्ट्री के अफराद भी तबसरा किए बगैर ना रह सके। अदाकार और गुलकार हारून शाहिद ने खुद भी जलसे में शिरकत की, जहां से उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा तस्वीर शेयर की। अपनी एक ट्वीट में अदाकार ने लिखा कि मैंने गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 50 से ज़ायद जलसों में शिरकत की होगी। कई बार मोटरवे पर भी रहा, लेकिन इस जलसे में शिरकत के लिए लोगों का जम गफीर है। सीनियर अदाकार समीना पीरजादा ने इजहार ख्याल किया और कहा कि इमरान खान का ट्रम्प कार्ड अवाम की ताकत है। अवाम की वो तादाद जो इमरान खान के जलसे में शिरकत करती है। मौसिकार मुस्तफ़ा जाहिद ने कहा कि पाकिस्तान में हर चीज पर बहस की जा सकती है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं की कि इमरान खान अवाम मजमा को जमा करने वाली शख्सियत है और इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं। कॉमेडियन और TV मेजबान शफात अली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये जलसा बहुत बहुत बड़ा है। अदाकार मुनीब भट्ट ने भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली को वज़ीर आला के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद से आगाह कर दिया गया। मुतहदा अपोजिशन ने विफाक के बाद पंजाब असेंबली में वज़ीर आला उस्मान गुज़ार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक आगाह किया। इस हवाले से परवेज इलाही का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तमाम कानूनी जाब्ते और असेंबली रूल्स पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर इजलास बुलाने की रिक्वजिशन कॉपी भी भिजवा दी गई है। वाज़ेह रहे कि आइन के तहत अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद अब स्पीकर 14 दिन में असेंबली का इजलास तलब करने के पाबंद हैं।
जबकि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को अपने नंबर पूरे करने हैं, जबकि हुकूमत को भी 182 नंबर पूरे करना है। अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद असेंबली में जमा कराई, जो असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल की जा चुकी है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। वज़ीर आज़म की जानिब से सामने लाए गए खत का इल्म नहीं। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म की जानिब से सामने लाए जाने वाले खत से राजनी का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि JUI के पास आज के जैसे और धरने की इजाज़त नहीं है, उनका NOC ख़त्म हो चुका है। मुस्लिम लीग नून को आज के जैसे की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रख रहा है। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इमरान खान इकतदार में हो ना हो, उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखला का कहना था कि अगर आज करारदाद पेश हुई तो पीर को वोटिंग होगी। उन्होंने मजीद कहा कि किसी हुकूमत को वक्त पूरा करते नहीं देखा। मेरे ख्याल में 29 की शाम से 31 की शाम आर या पार हो जाएगा। मेरे सियासी वजदान कहता है एक घंटा पहले तक सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि 172 बंदे अपोजिशन ने लाने हैं। शेख रशीद ने कहा कि सियासतें इंटरनेशनल होती हैं, लेकिन मुझे इस खत का इल्म नहीं जिसका जिक्र किया गया। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। मैं इमरान खान को पहले दिन से कह रहा हूं कि हज के बाद इंतखाबात करा दें और पंजाब असेंबली तोड़ी जाए। मैं मुल्क में इमरजेंसी और सिंध में गवर्नर राज चाहता था, क्योंकि लोग बिक रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान नून लीग में शमूलियत की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक मावन खुसूसी बराए इत्तला'आत फिरदौस आशिक अवान की जानिब से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। ज़राए का बताना है कि फिरदौस आशिक अवान की जानिब से नून लीग की आला क़यादत तक ये पैगाम मारूफ गुलूकार वारिस बेग के जरिए पहुँचाया गया, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान की जानिब से लंदन में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को पैगाम भिजवाया गया है कि वो नून लीग में शामिल होना चाहती हैं, ताहम उनकी जानिब से सियालकोट में टिकट का मुतालबा नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने फिरदौस आशिक अवान को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई और उन्हें जवाब दिया गया कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब की क़यादत से राब्ता किया जाए। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान से इस हवाले से राब्ता किया गया तो उन्होंने उसे झूठी खबर करार दिया। हज़ब इस्लामी अफगानिस्तान के रुकन ने बरतानवी शहरियत का तारीखी मुकदमा जीत लिया। हज़ब इस्लामी अफगानिस्तान के साबिक रुकन ने बरतानवी शहरियत का तारीखी मुकदमा जीत लिया। हुकूमत ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत हज़ब इस्लामी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, जिस पर बरतानिया ने हज़ब इस्लामी के साबिक रुकन को शहरियत देने से इनकार कर दिया था। अफगान शहरी की बरतानवी शहरियत के लिए दी गई 4 दरख्वास्तें रद्द हो चुकी हैं, जिस पर हज़ब इस्लामी के साबिक रुकन ने अदालती नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त गुजार के वकील आमिर मंजूर ने अदालत को बताया कि अफगान शहरी ने रूसी तसलत के खिलाफ हज़ब इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अफगान शहरी होने के सबब होम ऑफिस का शहरियत से इनकार का फैसला दुरुस्त नहीं है। अदालत के फैसले के बाद बरतानिया के वज़ारत दाखिला को अफगान शहरी को केस की मद में आने वाले £30,000 के अखराजात भी अदा करने होंगे। याद रहे कि बरतानिया हाईकोर्ट ने सितंबर 2004 में अफगान शहरी की बतौर अफगान महाजिर बरतानिया में रहने की दरख्वास्त मंजूर की थी। तालिबान ने बरतानवी नशरियाती इदारे की मुकामी नशरियात बंद कर दी। तालिबान ने अफगानिस्तान में BBC की मुकामी जबान में नशरियात बंद कर दी। गैर मुल्की खबर इस अदारे के मुताबिक तालिबान ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की अफगानिस्तान में 3 बड़ी जबानों में चलने वाली नशरियात को बंद कर दिया। BBC का कहना है कि नशरियाती इदारे की पश्तो, फारसी और अज़बक जबान में चलने वाली नशरियात को बंद कर दिया गया है, जबकि तालिबान ने बैन अल-अक़वामी ब्रॉडकास्टर्स को फौरी तौर पर नशरियात ऑफ एयर करने का हुक्म दिया है। अफगानिस्तान में BBC के सरबराह का कहना था कि गैर मुस्तहकम और परेशान कुन सूरत हाल में ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि हर हफ्ते तकरीबन 6 मिलियन अफगान शहरी BBC की ये नशरियात देखते हैं।
जिन्हें अब इससे महरूम कर दिया गया है। खबर इस अदारे का कहना है कि इस हवाले से तालिबान के वज़ारत इत्तला'आत के तर्जुमान ने किसी किस्म का बयान देने से गुरेज किया है। अफगानिस्तान में अक़वामे मुत्तहिदा के मिशन ने BBC की नशरियात बंद होने की मुज़म्मत की है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।